नीट्रे दिया ग्रेसमार्क प्रत्याहर हेबो एने केन्द्र सरकार पक्षर सुप्रीमकोर्ट को जणा जाइछि जे 1563 परीक्षार्थी को ग्रेसमार्क दि जाइथिला सेमाने आसंता 23 रे पुणि थरे परीक्षा दे परिबे जून 30 रे सेमानको रिजल्ट प्रकाश पाइबो सेबडे नीट रो कोनसी प्रकार पेपर लीक होइ नै बोली कहिछन्ती केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान चलित वर्ष 24 लाख परीक्षार्थी नीट देइछन्ती सेमानको मध्यरु मात्र 1563 परीक्षार्थी को नै अभियोग आसी एक गुरुत्व सहित नेउछन्ती केन्द्र सरकार एथिपाई शिक्षाविद को नै गठन होइछि कमिटी सेमानको रिपोर्ट अनुसार दोषी देखिए एक तो मैं आपको स्पष्ट करूं, देयर इज नो करप्शन। ये जो एक वातावरण बनाई जा रही है कि बहुत बड़ा एनामोलिज हुई है, नीट के संबंध में पिछले दिनों में नीट में आपकी जानकारी के लिए बताऊं 24 लाख 20 सरकार ने अपना में ये लगभग 1500 स्टूडेंट की है और एक ग्रेटर क्वेश्चंस कुछ उठाए गए हैं, सरकार उसकी सामना करने के लिए उसको संतुष्टि के साथ बच्चों को उत्तर देने के लिए बहुत प्रामाणिकता के साथ खड़ा है। स्पेसिफिक घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है, एकेडमिशियंस की कमेटी बनी है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन किया है, उस हिसाब से सरकार आज कोर्ट के सामने उस पक्ष को रखेगा और बाकी जो नीडफुल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही कुछ साल पहले से एनटीए की गठन हुई है, पिछले दिनों में आज एनटीए लगभग 3 बड़े बड़े एग्जामिनेशन कराती है, सक्सेसफुली कराती है, नीट, जेई और सीयूईटी। इतने बड़े देश में जब 13 लैंग्वेज में एग्जामिनेशन होगा, विश्व के कई देशों में एग्जामिनेशन सेंटर होगी, कई प्रकार के स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो घटना हमारे सामने आई निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा। लेकिन मैं विद्यार्थियों को मुख्यतः और अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहूंगा, भारत सरकार और उसकी जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।